Okay. So the today lecture is based on the logarithmic function. Okay. So logarithmic function means अगर किसी भी आप दो चीजें याद रखना, दो चीजें होती हैं logarithmic function, एक होता है log, एक होता है ln, दोनों सेम है. इसको बोलते हैं बेटा नेचुरल लॉग. क्या बोलते हैं? नेचुरल लॉग. क्लियर? एंड दिस इज द सिंपल लॉग. कहने का मीनिंग ये है, अगर आपको ऐसा कहीं लिखा हो y इक्वल टू log 2, ठीक है ना, और अगर आपको ऐसा लिखा हो y इक्वल टू ln 2, तो सर दोनों का मीनिंग क्या है? तो जरा ध्यान से सुनिए, दोनों का मीनिंग क्या है. log 2 अगर कहीं लिखा है बच्चों, तो log 2 का बेस जो होगा वो 10 होगा. कितना होगा? 10 होगा बेस. और log ln 2 है, तो ln 2 का जो बेस होता है बच्चों वो e होता है. इसे मैं लिख रहा हूं, अगर log 2 लिखा है तो बस आप दिमाग में रखिए कि बेस कितना होगा? 10 होगा. बेस मतलब 10. जो नीचे, ये पावर नहीं है, ये ऐसे नहीं लिखा हुआ है, ये ऐसे नहीं लिखा log 10 टू दी पावर 2, काफी बच्चों को ऐसे लगता है, ऐसे नहीं लिखा है बच्चों, ये लिखा है इस तरीके से log 2 और फिर नीचे ऐसे सफिक्स में लगा दिया गया है 10. इसको बोलते हैं बेस. इसको क्या बोलते हैं? बेस. ये है नंबर, ये है नंबर. सो सच टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड लॉगरिथमिक फंक्शन या लॉग फंक्शन. क्लियर बच्चों? है ना. तो अगर लॉग लिखा है तो आप अंडरस्टूड हो गए ना, बेस क्या होगा? अगर लॉग लिखा है तो बेस 10 होगा. 10 होगा. और अगर ln लिखा है, अगर ln 2 लिखा है, तो बेस कितना होगा बच्चों? e होगा. बेस कितना होगा? e. मैंने e की वैल्यू आपको बता रखी है, 2.731 बता रखी है कि नहीं बता रखी बच्चों? यस सर. तो ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन को बोलते हैं नेचुरल लॉग एंड दिस इज द नॉर्मल लॉग. ठीक है ना, जो एल्जेब्रिक लॉग कहलाता है. जरा सबसे पहले वन बाय वन चीजों को समझते हैं क्या होगा. लॉग समझ गए? लॉग समझ गए ना बच्चों? प्रॉपर्टीज देखते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग. ठीक है ना. सबसे पहली बात, पहली प्रॉपर्टी है, फर्स्ट प्रॉपर्टी इज दैट, फर्स्ट प्रॉपर्टी में क्या करना है आपको, अगर ऐसा कुछ लिखा है लॉग ए हाँ बोलो सर, मुझे वो लॉग नहीं समझा. अच्छा 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 अच्छा, देखो एक बार और सुन लो, नहीं समझा तो. लॉग एक वर्ड है. लॉग क्या है? एक वर्ड है जो किसी भी नंबर के आगे लग सकता है, किसी के नंबर, किसी फंक्शन के आगे लग सकता है. तो अगर लॉग को दो कैटेगराइज में डिवाइड किया गया, लॉग को दो कैटेगराइज में डिवाइड किया गया, एक लिखा लॉग, दूसरा लिखा ln. ln का मतलब होता है नेचुरल लॉग. ln का मतलब क्या होता है? नेचुरल लॉग. और लॉग, लॉग अगर लिखा है कहीं तो आप समझ लीजिए बेस क्या होगा? 2 होगा. अगर ln कहीं लिखा है तो बेस कितना होगा? e होगा. बेस क्या होता है? बेस अभी मैं बताऊंगा आपको, पहले आप समझो. अगर बच्चों log 2 लिखा है, अगर log 2 लिखा है, अगर log 2 लिखा है, तो बिल्कुल बिना सोचे समझे आप इतना याद रखना कि log होगा, 2 होगा, और नीचे बेस कितना लगेगा? 10 लगेगा. और कुछ नहीं दिमाग लगाना, कोई दिमाग नहीं लगाना. log 2, तो 2 इज द नंबर एंड 10 इज द बेस. क्लियर कट बात समझ में आती है कि नहीं आती? अगर कहीं ln लिखा है, कहीं ln लिखा है, तो ln का मतलब है वो इंडिकेट कर रहा है बेस e को. इंडिकेट किसको कर रहा है? बेस e को. क्लियर कट बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? 10th स्टैंडर्ड में थोड़ा बहुत तो log पढ़ा ही होगा. यस सर. है ना. तो अर्लियर क्लासेस में ऑलरेडी हम देख कर आए हैं, फिर भी मैं आपको थोड़ा बहुत बता रहा हूँ यहाँ पर. तो लॉग कितने तरीके के होते हैं? दो तरीके के. एक होता है नेचुरल लॉग, जिसको जिसका बेस ई होता है. दूसरा होता है मैथमेटिकल लॉग, जिसका बेस कितना होता है? 10 होता है. बोलो बच्चों, समझे ये बात? यस सर. है ना बच्चों, अगर ये बात आपको समझ में आ रही है, ये बात आपको जैसे कि समझ में आ रही है, तो आप फिर आसानी से बोल सकते हो कि सर हमने लॉग देख लिया. लॉग में दो तरीके के कैटेगराइजेशन हो सकते हैं. एक हो सकता है बेस 10 और दूसरा बेस हो सकता है बेस e. बोलो बच्चों, बात समझ में आती है कि नहीं आती? अब हम देखेंगे लॉग का यूज कहाँ कहाँ होता है, प्रॉपर्टीज क्या क्या है लॉग की. तो पहली प्रॉपर्टी है, अगर लॉग बेटा कहीं लिखा है लॉग, लॉग ए बेस बी,
ए कोई नंबर हो सकता है, बी कोई नंबर हो सकता है, लॉग ए बेस बी, अगर ऐसा कहीं लिखा है तो आपको क्या लिखना है, लॉग ए बेस 10 डिवाइडेड बाय लॉग बी बेस 10, ये प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है। 10 को ऐसे भी लिख सकते हैं, लॉग ए बेस कॉमन बेस सी डिवाइडेड बाय लॉग ए कॉमन बेस सी, लेकिन हमें सॉरी लॉग बी, आई एम सॉरी इट्स अ लॉग बी। एक बार एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल देखते हैं और समझते हैं। जैसे कि अगर लॉग मेरे से कोई पूछता है कि भैया 3 बेस 2 की वैल्यू बताओ क्या हो, लॉग 3 बेस 2 की वैल्यू बताओ क्या हो, ठीक है ना, याद रखना मैं जैसे प्रोनंशिएट कर रहा हूं, इट इज नॉट 2 टू द पावर 3, इट इज 3 बेस 2, इट इज 3 बेस 2, क्लियर कट बच्चों, बोलो। यस सर, है ना सर, बेस होता क्या है, हाँ, बेस ये बताता है कि लॉग किसके रिस्पेक्ट में काम कर रहा है, ठीक है ना, लॉग को किसके रिस्पेक्ट में वैल्यूज निकाली जा रही है, बेस इसको रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि नॉर्मली आपको ऐसा बोलना है ना, अभी आपको और अच्छे से समझ में आएगा बेस क्या होगा, अभी बेस क्लियर कट समझ में आता है, एक बार थोड़ा वेट करते हैं, अभी फिलहाल बेस के बारे में बता सिर्फ इतना ही जा सकता है, बेस इज रिप्रेजेंट दैट द वैल्यू ऑफ द 3 विद रिस्पेक्ट टू 2, क्लियर, 3 की वैल्यू 2 के रिस्पेक्ट में और कुछ नहीं, 3 विद द वैल्यू ऑफ 3 विद रिस्पेक्ट टू 2, क्लियर। तो जैसे लॉग 3 बेस 2 लिखा है बच्चों, लॉग 3 बेस 2 अगर आपके सामने लिखा है तो आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या करना है, बस लिखना है लॉग 3 बेस 10 डिवाइडेड बाय लॉग 2 बेस 10, क्लियर कट बात समझ में आती है, लॉग 3 बेस 10 डिवाइडेड बाय लॉग 2 बेस 10। चलो अच्छा एक काम करते हैं, लॉग 5 बेस 3 की वैल्यू बताओ कितनी होगी, चलो लॉग 5 डिवाइडेड बाय लॉग 3 टू द बेस 10, हाँ लॉग 5 बेस 10 डिवाइडेड बाय वेरी गुड लॉग 3 बेस 10, क्लियर कट बात समझ में आ रही है बच्चों, बोलो yes, है ना, बस क्या करना है, एक कॉमन बेस से दोनों को डिवाइड कर देना, एक कॉमन बेस से दोनों को डिवाइड कर देना। अच्छा चलो चलो आइडेंटिटी है ना सर, हाँ आइडेंटिटी है, लॉग 10 बेस 10 की वैल्यू क्या होगी, चलो बताओ, 1, बहुत बढ़िया, लॉग कैसे किया हमने, लॉग 10 डिवाइडेड बाय लॉग 10 बेस सी, बेस सी दोनों में कॉमन बेस सी ले लिया तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा ना, Yes. चलो log 5 by 5, log 5 base 5 की वैल्यू बताओ, 1 log 5 base 10 divided by log 5 base 10, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1, तो आप समझ रहे हैं ना बेस का यूज क्या है, बेस का यूज क्या है, बेस आपको किसी नंबर के रिस्पेक्ट में वैल्यू बताता है, log की उस नंबर, जैसे log 2 लिखा, log 2 लिखा तो log 2 की वैल्यू 10 के रिस्पेक्ट में कितनी होगी ये बताता है आपको बेस, क्लियर कट बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, log सर प्लीज एक्सप्लेन इट विद अ एक्सपोनेंट फॉर्म, अरे यार वेट करते हैं ना थोड़ा सा, मतलब यश्री इतना तेज क्यों भागना, हेलो इतना तेज क्यों भागना, हु इज अ यश्री, कैन यू ओपन योर कैमरा, हेलो चले गए क्या तुम यार, इतनी तेज भागोगे तुम, ओ तुम लोग, आधो को भी लॉग नहीं आ रहा, तुम्हें एक्सपोनेंट फॉर्म चाहिए, क्या बात कर, है ना, ओके समझे कि नहीं समझे बच्चों, पहला फॉर्म, पहली प्रॉपर्टी समझे, अगर लॉग ए बेस बी है तो आपको क्या करना है, लॉग ए बेस सी डिवाइडेड बाय लॉग बी बेस सी, या फिर उसको 10 बेस में डिवाइड कर दो। चलो इसी की प्रॉपर्टीज को थोड़ा और ओपन करते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं ln 2, तो ln 2 का मतलब क्या होगा, log 2 बेस e, यही तो होगा, अरे मैं अभी बताया ना, जिसके जो ln लिखा है उसका बेस कितना होता है, e होता है, जो ln लिखा है उसका बेस कितना होता है बच्चों, e होता है, है ना, तो यहाँ पर e बेस आ गया कि नहीं आ गया बच्चों, yes. जब बेस e आ गया तो इसको ओपन करेंगे तो कैसे लिखेंगे, log 2 बेस 10 डिवाइडेड बाय log e बेस 10, बोलो भाई ऐसे करके लिख सकते हैं, कॉमन बेस से डिवाइड मार सकते हैं कि नहीं मार सकते भैया, yes. अरे बोलो यार, yes.
थैंक यू सो मच. क्लियर कट बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? Yes, चलो फिर लॉग ई बेस ई की वैल्यू बताओ क्या होगी, या एल एन ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? वन. सिंपल है ना, एल एन ई की वैल्यू वन होगी कि नहीं होगी? बहुत बढ़िया. जवाब क्या, कैसे लिखा? कैसे लिखा? तो सर ऐसे लिखा हमने, लॉग ई बेस 10 डिवाइडेड बाय लॉग ई बेस 10, दिस इज इक्वल टू 1. क्लियर बच्चों? यस सर. दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं, अगर ये प्रॉपर्टी समझ गए तो दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं. दूसरी प्रॉपर्टी ये कहता है, अगर कोई लॉग है, अब बेस वेस बार बार नहीं लिखेंगे क्योंकि बेस आप समझ गए होंगे कि लॉग अगर लिखा है बच्चों, अगर लॉग लिखा है तो बेस कितना होगा? कम ऑन माय डियर फ्रेंड्स, जल्दी बोलो बेस कितना होगा? 10. बहुत बढ़िया. तो लॉग एक्स की होल पावर वाई लिखा है, मान लो ऐसा, ठीक है ना? तो हम क्या कर सकते हैं, लॉग को वाई जो होगा वो आगे आ जाएगा और लॉग एक्स लिखते हैं, y log x, क्लियर कट बात समझ में आती है कि नहीं आती? जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अगर मेरे से कोई log 8 की वैल्यू पूछे, log 8 की वैल्यू अगर मुझसे कोई पूछे 3 log 2, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको बच्चों? log 2 क्यूब. log 2 क्यूब लिखेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 log 2. क्लियर बात समझ में आ रही? जो भी पावर होगी वो आगे आ जाएगी, जो भी पावर होगी वो आगे आ जाएगी. चलो log 81 की वैल्यू बताओ कितनी होगी? 4 log 3 क्या? बहुत बढ़िया, लाजवाब. क्या कर सकते भाई, एज वी नो 3 की पावर 4 कितना होगा? 3 × 3 × 3 × 3 दिस इज इक्वल टू 81. आप चेक कर लो, तो पावर 3 की पावर 4 आगे आ जाएगा और क्या बन जाएगा बच्चों? ये क्या बन जाएगा माय डियर फ्रेंड्स? इट्स अ 4 log 3. क्लियर कट बात समझ में आ रही है? बोलो. अच्छा, अगर ऐसा कहीं लिखा हो मान लो 51 log 2, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? log 2 टू दी पावर 51. क्लियर है ना? ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बोलिए. बहुत अच्छे. अच्छा, अगली प्रॉपर्टी देखते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 3. अगर बच्चों ऐसा है log x plus log y, तो आपको क्या करना है? आपको क्या करना है? बस इनका मल्टीप्लाई कर देना है, log x into y. दो फंक्शंस का मल्टीप्लाई दोनों एडिशंस के बराबर होता है. log x into y is equal to log 2 plus log 3. क्लियर कट बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? जैसे कि अगर आपको ऐसे लिखा हो log 2 plus log 3, तो आप इसको क्या लिख सकते हो? log 6 भी लिख सकते हो, ठीक है ना? बोलो भाई, क्लियर कट समझ में आई बात? Yes, sir. जैसे कि ऐसा कहीं लिखा हुआ है log मान लो 12, तो log 12 को कैसे लिख सकते हैं? log 12 को कैसे लिख सकते हैं? log 4 × 3. log 4 × 3 का मतलब हुआ 2 log 2 plus log 3. बोलो, समझो? समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे? नहीं समझे? नहीं, कैसे समझ गए? ऐसे लिखेंगे ना इसको, log 4. log 4 को क्या लिख सकते हैं बच्चों? log 2 का स्क्वायर प्लस log 3. अब हम जान सकते हैं बड़ी आसानी से क्या हो जाएगी वैल्यूज, 2 log 2 प्लस log 3. क्लियर बात समझे बच्चों? यस सर. बोलो, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम? ओके, थैंक यू सो मच. लेट अस सी. अब हमने ये देखी दूसरी प्रॉपर्टी होती है log x माइनस log y. दूसरी प्रॉपर्टी, चौथी प्रॉपर्टी है log x माइनस log x माइनस log y. log x माइनस log y ऐसे होता है log x डिवाइडेड बाय y, ठीक है ना? log x बाय y इज इक्वल टू log x माइनस y, ये याद रखिएगा प्लीज. जैसे कि log log 2/3 लिखा है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? log 2 माइनस log 3, ठीक है ना? याद रखिए, याद रखिएगा ऑलवेज, ठीक है ना? अगर ऐसा कहीं लिखा है log 5/7, तो क्या लिखेंगे? log 5 माइनस log 7. क्लियर कट बात समझ में आ रही है बच्चों की, नहीं आ रही? यस सर. बोलो, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम?
नो सर। ओके चलिए, आप एक बार प्रॉपर्टीज को अच्छे से देख सकते हैं फिर से। हाँ कुछ बताना है। देखिए विवेक सर, कैन यू हैव नॉट रिटन इन पावर फॉर्म? नो नो नो। चलो एक और चीज देख लेते हैं। अगर आपको प्रॉपर्टीज को ऐसे देखिए, कई बच्चों को मिस्टेक क्या करते हैं, मिस्टेक लॉग के साथ मिस्टेक्स क्या क्या होती। पहली बात, बच्चों को लगता है लॉग एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स बाय वाई। दिस इज द फर्स्ट मिस्टेक, बहुत बच्चे ऐसा करते हैं। सो प्लीज रिमेम्बर, यहां पर आपको बात करी गई है लॉग एक्स माइनस लॉग वाई की। तो कई बार बच्चे ऐसा सोचते हैं कि लॉग एक्स माइनस वाई, जब बहुत ज्यादा लेंदी काम कर रहे होते हैं तो लॉग एक्स माइनस वाई को, हाँ ये लॉगरिथमिक है मेलमेस, लॉग एक्स माइनस वाई को लिखना है लॉग एक्स बाई वाई, ना कि लॉग एक्स माइनस वाई डज नॉट इक्वल टू लॉग एक्स बाय वाई। तो प्लीज रिमेंबर माय डियर फ्रेंड्स कि आपको ये मिस्टेक कभी नहीं करनी, ये मिस्टेक कभी नहीं करनी, ऐसा कभी नहीं लिखना। ऑलवेज राइट फॉर्म ये है, राइट फॉर्म ये है। चलिए दूसरी मिस्टेक क्या करते हैं, दूसरी मिस्टेक क्या करते हैं, जनरली लॉग एक्स इंटू वाई को कई बार जल्दबाजी में ऐसे लिख देते हैं लॉग एक्स प्लस लॉग वाई। तो ये भी मिस्टेक कभी नहीं करनी, ये भी मिस्टेक कभी नहीं करनी। आपको ये लिखना है, आपको ये लिखना है लॉग एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस लॉग वाई। तो जब दोनों ही लॉग आपस में मल्टीप्लाई के होंगे तो यहां पर एडिशन होगा लॉग के साथ। क्लियर? अच्छा चलिए, ये मिस्टेक्स का ध्यान रखिए आप लोग, बहुत ज्यादा जरूरी मिस्टेक्स हैं। बहुत बार मैंने अपने करियर में देखा है कि बच्चों ने ये मिस्टेक्स करी है। तो बच्चों ये मिस्टेक्स का अगर आप ध्यान रखोगे तो आप लॉग कभी गलत नहीं करोगे। चलिए एक बार प्रॉपर्टीज को फिर से देख लेते हैं आसानी से, आराम से प्रॉपर्टीज को, सिर्फ बिना कुछ किए। पहला प्रॉपर्टी था अगर y बराबर log x बेस y है तो आपको बस करना क्या है, log x बेस 10 डिवाइडेड बाय log y बेस 10, या फिर log x बेस e डिवाइडेड बाय log y बेस e, जिसमें आपको वैल्यू आती है आप उसमें तोड़ सकते हो, कोई समस्या वाली बात नहीं। दूसरा अगर y बराबर, सॉरी यहां y नहीं z लिख लो, अगला लिख लेते हैं, अगला प्रॉपर पावर थी अगर z बराबर log x की होल पावर y है तो आपको क्या लिखना है, y log, ठीक है ना। बच्चों कई बार बच्चे ऐसी भी गलती करते हैं, कई बार एक मिस्टेक और करते हैं, अगर उनको ऐसे दिया जाता है log x की होल पावर n तो उसको भी वो लिखाते हैं n log x। देयर इज वेरी डिफरेंस, log x टू दी पावर n होगा तो n log x होगा, ना कि log x की होल पावर n को ऐसे नहीं लिखना है। सो माय डियर फ्रेंड्स ऐसी मिस्टेक्स आप मत करिए, क्योंकि ये मिस्टेक्स बहुत बच्चे करते हैं। सो डोंट डू दिस, दिस इज ऑलवेज इन दिस फॉर्म log x टू दी पावर y इज इक्वल टू, अगर कोई मतलब आपसे कहता है, पूछता है भैया log 2 का होल क्यूब कितना होगा, तो इसको मत लिख देना 3 log 2, है ना, इसको मत लिख देना 3 log 2, ठीक है ना। log 2 का होल क्यूब कभी 3 log 2 नहीं होता, log 2 का होल क्यूब होगा log 2 into log 2 into log 2, ठीक है ना, ऐसे लिखेंगे। अब इसको भी कई बच्चे ऐसे लिख देते हैं log x plus log y, दूरत लगा दिया log 2 plus log 2, नहीं ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। तो ये सारी मिस्टेक्स बिल्कुल भी मत करिएगा, आई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, प्रिकॉशंस रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। मैं मिस्टेक्स भी बताते हुए चल रहा हूँ, बहुत कम लोग बताते हैं मिस्टेक्स। तीसरा फॉर्म देखो यार, तीसरे फॉर्म में आपको क्या करना है, तीसरे फॉर्म में क्या करना है, आपको z बता दिया, उसके बाद बता रहा हूँ log x into y, log x into y को क्या लिखेंगे, log x plus log y, ठीक है, very good Arnav, बहुत अच्छे। फोर्थ नंबर में क्या करना है, log x by y, log x by y को क्या लिखेंगे, log x minus log y, मैंने एक बार और रिवाइज करा दिया आपको। चलिए प्रॉपर्टीज हो गई, अब एक और प्रॉपर्टी, फिफ्थ नंबर की प्रॉपर्टी देखते हैं। अगर बच्चों y बराबर log x लिखा है तो तुम बताओ अंडरस्टूड बेस क्या है, 10, बहुत बढ़िया, लाजवाब, इस बार बच्चे समझ रहे हैं। अच्छा अगर s को आप एंटी लॉग लेते हो, एंटी लॉग मतलब log हटाना चाहते हो, सो आप जब भी log हटाना चाह रहे हो तो आप बोलोगे कि टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड,
अगर आप log हटाना चाह रहे हैं और log के बाद आप लिखते हैं taking anti log on a both side, तो x की वैल्यू हो जाएगी 10 to the power y. समझे? 10 to the power y. कुछ नहीं करना. x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 to the power. मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ आपको. मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ. जैसे कि मान लो z equal to 10 to the power u ले लो. Taking log on a both side, log ले लिया तो इधर हो गया log z is equal to log 10 to the power u. आपने first property पढ़ी कि जितनी भी power होती है सारी की सारी कहाँ आ जाती? आगे आ जाती. तो log z is equal to, my dear friends, log z equal to u log 10. और log 10 का मतलब हुआ base कितना है बच्चों यहाँ पर? 10 है. तो log 10 base 10 की value कितनी होती है? 1 होती है. तो यहाँ पर बच्चों बड़ी आसानी से u बराबर कितना आ जाएगा? log z आ जाएगा. सो बड़ी आसानी से आप देख चुके कि अगर मैं आपको ये दूं तो आप ये लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? अगर मैं आपको ये दूं तो आप ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बोलिए. यस सर. फिर से एक्सप्लेन करो. चलिए एक बार और एक्सप्लेन करते हैं. जैसे कि मान लो आपको ऐसा कोई वैल्यू दिया जाए z इज इक्वल टू 1000 दिया गया. तो z इक्वल टू एक्चुअली कितना हो सकता है? 10 टू द पावर 3 हो सकता है ना. अब इसको दोनों साइड लॉग ले, टेकिंग लॉग ऑन अ बोथ. अगर दोनों साइड लॉग ले रहे तो इधर क्या बन जाएगा बेटा? लॉग z. इधर क्या बन गया? log z. इधर क्या बन गया बेटा? 3 log 10. क्लियर? अच्छा log yes, लिखा है तो अंडरस्टूड बेस क्या है बच्चों? अंडरस्टूड बेस क्या है? 10. log 10 बेस 10 की वैल्यू कितनी होती है? log 10 बेस 10 की वैल्यू 1. ये पूरे को क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं. log z बेस 10 की वैल्यू कितनी आ गई? 3. क्लियर? तो अगर मेरे को ऐसा दिया जाए, अगर मेरे को ऐसा दिया जाए तो मैं इस फॉर्म को ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं? बोलो. यस सर. है ना? जैसे कि मैं आपको दूं बच्चों, मान लो मैं आपको ऐसे वैल्यू दूं 5 इज इक्वल टू log 7. तो बताओ, सॉरी log x, तो x की वैल्यू क्या होगी? 10 to the power 5 equals to x. फाइंड द वैल्यू ऑफ x. फाइंड द वैल्यू ऑफ x. तो x कितना होगा? 5. x 5 कैसे होगा? 10 to the power 5 होगा. एक बार फिर से ओपन करते हैं. तो 5 log x आपको ये क्वेश्चन में दिया गया है माय डियर फ्रेंड. आपको करना क्या है? आपको करना क्या है? बस आपको जब यहां पर देखोगे तो बेस 10 मिलेगा. तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं? x जब टेकिंग एंटी log ऑन बोथ साइड, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, अगर दोनों साइड आप एंटी लॉग ले रहे हैं तो यहां लिखेंगे x इक्वल टू 10 to the power 5. 10 ऐसे, और जो भी यहां दिया गया वो पावर में चढ़ जाता है. बस खत्म. चलो आप बिना पेन उठाए बताओ. Ln y. Find the value of y. चलो बिना पेन उठाए. y is equals to e raised to 3. E to the power 3. Very good. बहुत अच्छे. लाजवाब. y is equal to e to the power 3. चलो देख लेते हैं एक बार. देख लेते हैं बच्चों क्या कर रहे हैं. आपके पास ln y लिखा है. ln y का मतलब अंडरस्टूड है कि y का बेस क्या होगा? log का बेस क्या होगा? e हो. log का बेस क्या होगा? e होगा. e बेस लिखा, यहां पर वैल्यू लिख दी 3. e बेस लिखा, वैल्यू लिख दी 3. जैसे ही 3 लिखी तो आप देख रहे हो एंटी लॉग लेंगे तो बेस की बेस क्या हो जाता है? बेस यहां आ जाता है, और जो भी यहां नंबर लिखा हो बेस की पावर बन जाता है कि नहीं बन जाता है? तो ये ऐसा बन गया. क्लियर? समझ गए ना. चलो एक बार और. आपकी गलती कोई नहीं करेगा. मैं चाह रहा हूं कमेंट बॉक्स में बहुत सारे आंसर्स हों. 5 ln u. Find the value of u.
कमेंट बॉक्स में आंसर देना, किसी को इस बात बोलना नहीं, मैं चाहता हूँ कि सभी बच्चे आंसर दें. सो फाइंड द वैल्यू ऑफ यू. चलो बोलो. अरे कमेंट बॉक्स में आंसर देना है. बहुत बड़े, बहुत अच्छे अर्णव, बहुत अच्छे धीरज, बहुत अच्छे निरंजन, बहुत अच्छे वरदान, बहुत बढ़िया, लाजवाब. एक बच्चे ने आंसर गलत दिया है, यू टू द पावर फाइव जिसने दिया है गलत दिया है. यू टू द पावर फाइव इज अ रॉन्ग आंसर. प्लीज बच्चों इस बात को ध्यान रखो, यू टू द पावर फाइव इज नॉट अ राइट आंसर. जिनाशा, जिनेशा, जिनेशा योर आंसर इज रॉन्ग. इसके अलावा बाकी सभी बच्चों ने आंसर्स बिल्कुल सही दिए. ये भी एक लॉग ई टू द पावर फाइव इज रॉन्ग आंसर. लॉग ई टू द पावर फाइव इज रॉन्ग आंसर. विवेक, 10 टू द पावर 5, विनय, ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग. वेंकटेश रॉन्ग है. चलिए देखते हैं. तो बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों, क्या करना है. वी लिखा है तो एलएन है, तो बेस बिल्कुल माइंड में सेट है कि बेस क्या हो जाएगा. बेस क्या हो जाएगा बच्चों, वी बेस ई हो जाएगा, यू बेस ई हो जाएगा, यू बेस ई हो जाएगा. बस तो क्या करना है, आप ऐसे लिखोगे 5 log u बेस e. तो जो भी बेस लगा है वो क्या चला जाएगा, इधर चला जाएगा. तो यहाँ पर u की वैल्यू जो हो जाएगी e टू दी पावर 5 हो जाएगी. तो जिन बच्चों की e टू दी पावर 5 है, नो डाउट क्लैपिंग फॉर दोज गाइस. ठीक है ना, सच अ वेरी वेरी गुड थिंग्स. बहुत अच्छे, लाजवाब, लाजवाब, शानदार. ठीक है, अच्छा चलो आप कुछ वैल्यूज याद कर लेते हैं, है ना. याद करेंगे ना आप लोग, याद करेंगे ना. हाँ ना, बोलो भैया. यस सर. चलो याद करते हैं सबसे पहले. आप देखोगे, आप आज घर जाके एक काम भी कर सकते हो, अपने मोबाइल फोन को उठाना और कैलकुलेटर ऑन करना. वहां पे दो लॉग मिलेंगे, एक लॉग मिलेगा आपको लॉग ऐसा लिखा हुआ और दूसरा मिलेगा एलएन. शायद मेरे पास यहाँ पर भी कैलकुलेटर होगा तो मैं आपको दिखाता हूँ. So this is a very good actually, बहुत अच्छी. हाँ बहुत अच्छे, यहाँ पर भी कैलकुलेटर है अपने पास. और इस कैलकुलेटर की अच्छी बात यह है कि इसमें लॉग है. ये देखे, यहाँ पर लॉग भी लिखा है, लॉग भी लिखा है और ln भी लिखा है, लॉग भी लिखा है. ये बच्चों आप देखोगे तो यहाँ पर ये लॉग भी मिलेगा, यहाँ पर ये लॉग भी मिलेगा और ये ln भी मिलेगा. मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो ln का मतलब होता है, ln का मतलब क्या है बच्चों, कि बेस क्या है, e है. log का मतलब क्या होता है, बेस कितना होता है, 10 होता है. तो हमें कुछ वैल्यूज भी याद रखनी चाहिए, हमें कुछ वैल्यूज भी याद रखनी चाहिए जो आपको बेनिफिशियली करा देंगी. ठीक है ना, तो आप पहले तो सबसे पहले आप logs की वैल्यू याद करिए. logs मतलब बेस 10. ठीक है ना, तो y बराबर अगर log 1, मैं ऐसे लिखता हूं, एक तरफ यहाँ पर वैल्यू ऐसे log 1 वैल्यू. देखिए log 1 है ना, अगर log 1 है तो आप इतना दिमाग में रखो कि log 1 की वैल्यू ऑलवेज जीरो होती है. log 1 की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है. अच्छा बच्चों देखिए, एक और नंबर है इसी के साथ log 0, आपको वो भी समझा देता हूं. देखिए सुनिएगा, log 0. अच्छा कोई खुद से ऐसा बच्चा है जो डिफाइन कर सकता है कि लॉग जीरो क्या? इनफिनिट. बहुत बढ़िया, तुम खुद सोचो ना, लॉग जीरो को क्या लिख सकते हैं, लॉग जीरो बेस जीरो डिवाइडेड बाय लॉग 10 बेस जीरो, क्योंकि आफ्टर ऑल यहाँ 10 है ना. लॉग जीरो बेस जीरो इज 1, लेकिन 1 बाय जीरो इज कैन नॉट डिफाइन ना. या कोई बाय जीरो कुछ भी लिख लो यहाँ पर, सॉरी कुछ भी यहाँ लिख लो, उसकी वैल्यू ऑलवेज कैन नॉट डिफाइंड होगी ना, क्योंकि जीरो से कुछ भी डिवाइड करने पर कुछ मिलेगा क्या भाई. जीरो अपॉन समथिंग इज व्हाट, इनफिनिट, इनफिनिट, है ना. तो इस बात को आप जानते हो, तो यहाँ पर लॉग जीरो की वैल्यू इनफाइनाइट होती है. लॉग जीरो की वैल्यू इनफाइनाइट या कैन नॉट डिफाइंड.
अच्छा बच्चों, इसी तरीके से log 1 है, सॉरी log 1, log 1 की वैल्यू होती है, log 1 की वैल्यू होती है, हाँ पॉसिबल log log 1 तो पॉसिबल है ना, जीरो जीरो log 1 की वैल्यू जीरो होती है, log 1 की वैल्यू जीरो होती है, नेगेटिव log कभी पॉसिबल नहीं होता, ठीक है ना। ये सब टेबुलर फॉर्म से निकाली गई वैल्यूज है, आप खुद भी कैलकुलेटर लेकर यूज कर सकते हो अगर आपको नहीं याद है। मैं कुछ आपको स्पेशल वैल्यूज याद करा रहा हूँ। लॉग टू, लॉग टू की वैल्यू होती है बेटा 0.3010 लॉग थ्री, लॉग थ्री की वैल्यू होती है मेरे दोस्त, लॉग थ्री की वैल्यू होती है आपके पास 0.4771 क्लियर। लॉग थ्री की वैल्यू होती है 0.4771 मुझे भी ये वैल्यूज याद नहीं रहती कभी नहीं, मगर फिर भी आप लोग एग्जाम दे रहे हो तो आप याद करो, वैसे तो दी गई होंगी सारी वैल्यूज, अगर एक बार याद कर लोगे तो फायदे में रहोगे, है ना, मतलब आपको देखना नहीं पड़ेगा। लॉग फाइव 0.0699 ठीक है ना, और log 7 की वैल्यू भी होती है बच्चों, log 7 आपके पास है 0.8451 और आपके पास एक टर्म और बचा log 10, log 10 बेस 10 की वैल्यू कितनी होती है 1। तो बच्चों अगर सिर्फ ये वैल्यूज आपने 1 से लेकर 10 तक 1, 2, 3, 5, 7 और 10 इसके अलावा आप बाकी सारी वैल्यूज निकाल सकते हो, जैसे आपको log 4 की वैल्यू निकालनी है तो log 4 की वैल्यू के लिए आप क्या लिखोगे, log 2 का स्क्वायर, तो log 2 के स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं बच्चों, 2 log 2, log 2 की वैल्यू आपको पता है तो log 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज 200 2 1s are 2 2 0 and 0 0.6020, बिल्कुल खट से आ जाएगी ना आंसर। ऐसे मान लीजिए कोई आपसे पूछ भी लेता है, कोई आपसे पूछ लेता है कि सर बताओ log 6 की वैल्यू कितनी होगी, तो log 6 की वैल्यू के लिए क्या करना है बच्चों, log 2 into 3 लिखना है, और log 2 into 3 कितना हो जाएगा बच्चों, log 2 plus log 3। चलो log 2 की वैल्यू देखते हैं, log 2 की वैल्यू कितनी है, log 6 की वैल्यू, log 3 की वैल्यू कितनी है, log 2 की वैल्यू है आपके पास 0.3010 और log 2 3 की वैल्यू है 0.4771, ठीक है ना, तो दिस इज 0.3010 प्लस का 0.4771, इसको सॉल्व कर लेंगे तो 1877 0.7781। बोलो बच्चों बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, कोई दिक्कत वाली बात, ऐसे आप बहुत सारी वैल्यूज निकाल सकते हो। ऐसे अगर आपसे कोई पूछे कि भैया log 8 की वैल्यू बताओ तो क्या लिखेंगे, 3 log 2, ठीक है ना, तो 0.9030, क्लियर कट बात समझ में आती है कि नहीं आती बच्चों। चलिए अब हम एक तो लॉग में बेस में याद कर लिया, अब हम याद कर रहे हैं लॉग की जगह पर, लॉग की जगह पर ln बेस की वैल्यू, बेस ln, तो अगर ln जीरो की बात करी जाए तो ln जीरो का मतलब क्या होगा बच्चों, बेस क्या है e है, तो इसकी वैल्यू भी कैन नॉट डिफाइंड होती है, इसकी वैल्यू भी कैन नॉट डिफाइंड। ln 1, इसकी वैल्यू भी जीरो होती है, ln 1 की वैल्यू भी जीरो होती है। बच्चों आगे वैल्यूज देखते हैं, ln 2 अगेन देखिएगा तो बेस जो होता है वो कितना होता है बच्चों, e, तो इसकी वैल्यू होती है 0.693, ln 2 is 0.6931 या 6932 भी लिखते हैं, तो कुछ बुक 6932 लिखती है, 6932 लिख लो। ln 3 जो होता है बच्चों, ln 3 की वैल्यू होती है 1.099, ln 4 तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बट ln 5 याद कर लो, ln 5 की वैल्यू होती है 1.6094, और ln 7 होता है आपके पास, ln 7 होता है 1.9459, ln 10 देखिए कितना होता है बच्चों, ln 10 is 2.30
टू, और एक वर्ड है ln e, ln e की वैल्यू होती है वन, वन है ना। यहीं पर एक मेंशन भी कर लेता हूं मैं, आपको करा देता हूं, इसका भी मेंशन करा देता हूं, log e, log e की वैल्यू जो होती है बच्चों, log e, this is 0.4343, 0.4343। अच्छा बच्चों, अब जरा ध्यान से सुनिए, आप ये समझ गए ना, ये वैल्यूज भी समझ गए ना, अगर ln 4 निकालना है तो क्या करेंगे, ln 4 निकालना है तो क्या करोगे बच्चों, चलो बताओ, ln 4, ln 4 अगर निकालना है तो क्या करेंगे हम लोग, 2 log 2, ln 4 क्या लिखेंगे, 2 ln 2 लिख देंगे ना, और yes. ln 2 की वैल्यू कितनी है, 0.6932, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4, 6, 8, 7 एंड नहीं नहीं सॉरी 1.3 समथिंग कुछ 1.3864। क्लियर कट बात समझ में आती है कि नहीं आती बच्चों? यस सर। चलिए अब ln वगैरह की वैल्यू तो आप कन्वर्जन करते हैं, अगर क्या बच्चों को लग रहा होगा क्या दोनों वैल्यूज याद करना है, तो मैं कहता हूँ दोनों वैल्यू से अच्छा है कि आप कन्वर्जन याद कर लो, कन्वर्जन समझ लो, कन्वर्जन ऑफ log into ln, लॉग को ln में कन्वर्ट करना, मतलब बेस 10 को बेस e में कन्वर्ट कैसे करेंगे, बेस 10 को बेस e में कन्वर्ट कैसे करेंगे। अच्छा बच्चों जरा देखो, लॉग e की वैल्यू कितनी है, लॉग e की वैल्यू कितनी है, अरे बोलो, अच्छा मैं आपको 0.434 काम करना, लॉग 2 की वैल्यू पहले देखते हैं, लॉग 2 की वैल्यू कितनी, 0.3016, ठीक है ना, और ln 2 की वैल्यू कितनी, ln 2 की वैल्यू कितनी, 0.6932, ln 2 की वैल्यू है 0.6932। अच्छा भैया log 2 और log ln 2 में फर्क कितने का है, log 2 और ln 2 में फर्क कितने का, आप देखो अगर ध्यान से, log 2 और ln 2 में फर्क कितने का है, डबल का फर्क है, डबल से तो बहुत ज्यादा का फर्क है, अच्छा एग्जैक्ट है ना, डबल से तो बहुत ज्यादा का फर्क है, 6932 डिवाइडेड बाय 3010, तो ऑलमोस्ट 2.302 का फर्क है कि नहीं। आप देखो अगर मैं इसमें से 2.302 को मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब log 2 into log 2, ऐसे करके लिखते हैं, ऐसे करके लिखते हैं, 2.302 into या 302 log 2 ऐसे लिखे तो ये ln 2 के बराबर होगा कि नहीं होगा, बोलो, हेलो हेलो, यस बच्चों आवाज आ रही है ना, यस एक बार फिर से सुनते हैं भाई, देखो अगर इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे तो यही वैल्यू आएगा, मैंने करके देखा हुआ है, आप भी करके देख सकते हो कि इससे इसका अगर 2.302 में 3 इसमें 2.302 into 0.3010 अगर इसको मल्टीप्लाई करते हो तो आपको वैल्यू ऑलमोस्ट 0.6932 ही मिलती है, ठीक है, मेरी बात समझ में आती है कि नहीं आती बच्चों, ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेशन में भी लगा सकते हैं, दिस इज 0.6932। कहने का मतलब ये है कि अगर आप और नंबर ले लो, और नंबर ले लो, चलो log 3 की वैल्यू बताओ कितनी होती है, log 3 की वैल्यू एक बार फिर से दिखाते हैं आपको, log 3 की वैल्यू होती है आपके पास 2 पॉइंट में क्या होती है 0.4771, ठीक है 0.4771, और ln e की वैल्यू, ln 3 की वैल्यू 1.099, ठीक है ना, तो log 3 की वैल्यू होती है 0.4771 और ln 3 की वैल्यू होती है बेटा 1.099। क्लियर कट बात समझ में आती है बच्चों? अब तुम खुद सोचो 0.4771 में अगर 2.302 का मल्टीप्लाई कर दोगे ना, 2.302 का मल्टीप्लाई कर दो 2.302 इंटू लॉग 3, देखो यही वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही, देख लो करके आ रही है ना,
इसका मतलब अगर log में दूं और आपको ln में कन्वर्ट करना है तो आप क्या लिखोगे, log x इज इक्वल टू, log x इज इक्वल टू, अगर log दूं तो क्या लिखोगे, 2.302 इंटू log x इज इक्वल टू ln x। बोलो भाई यही बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? यस सर। सिंपल लॉजिक समझ में आ रहा है ना बच्चों? अगर log x में 2.302 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नेचुरल log में कन्वर्ट हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? log x को अगर ln x में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2.302 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इफ यू आर मल्टीप्लाई विद 2.302 of log x, then you got the value of, sir, I did not understand the conversion. इसमें है क्या? देखिए मैं आपको एक बार फिर से समझा रहा हूँ। आप log से ln बनाना चाह रहे हो, आपको log 2 की वैल्यू दी गई, आपसे पूछा जा रहा है ln 2 की वैल्यू बताओ। बच्चों ln 2 का मीनिंग है, ln 2 का मीनिंग है बच्चों कि बेस कितना होगा, e होगा। log 2 का मतलब है बेस 10 होगा। तो हमने पढ़ा है ना, हमने याद किया कि बच्चों log 2 की वैल्यू होती है 0.3010, ln 2 की वैल्यू होती है 0.6932। मेरे दोस्तों आप एक चीज देखो अच्छे से कि आपने 0.6932 और 0.3010 में कितने का डिफरेंस है। तो हमें देखने से पता चल रहा है अगर 0.3010 में मैं 2.302 का मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे वही वैल्यू मिल जाती है जो ln 2 की है। इसका मीनिंग कि अगर log 2 से ln 2 आपको बनाना है तो आपको क्या करना चाहिए, 2.302 का मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। बोलो बच्चों यस आर नो? मैंने एक एग्जांपल और लिया, अगर log 3 की वैल्यू चेक करी जाए तो log 3 की वैल्यू है 0.4771, ln 3 की वैल्यू है 1.099। तो अगर आपको log 3 से ln 3 बनाना है तो जरा इसमें इस नंबर में आप 2.302 का मल्टीप्लाई कर दो। अगर आप 2.302 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो आप देखोगे कि ये वापस में ln 3 बन जाएगा। बोलो भाई बात समझते हैं कि नहीं समझते? सर इसका उल्टा करने से हमें log 3 मिल जाएगा फिर? हाँ इसका उल्टा करने, डिवाइड करने में। हाँ हाँ वही बात है, अभी देखते हैं। तो समझे भैया किसका डाउट था? सोहम समझे बच्चा? सोम यार दोबारा समझाया, एटलीस्ट गिव द रिप्लाई, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके थैंक यू सो मच। चलिए तो अगर ये कन्वर्जन आप समझ गए, ये कन्वर्जन समझ गए, तो बच्चों कई बार कन्वर्जन क्या होता है, अगर आपको क्या करना है, कन्वर्जन करना है ln x टू log x, ln x से log x बनाना है। अगर ln x से log x बनाना है तो बच्चों एक बार फिर से देखते हैं, आपको बोला गया, आपको पढ़ाया गया, अभी मैंने जस्ट आपको बताया कि यार log, अगर आप क्या करो, अगर आपको ऐसे लिखा हुआ है 2.302 इंटू log x is equal to ln x, ये हमने ऊपर अभी देखा। तो अगर log x दिया गया है तो हम क्या करेंगे, log x अगर दिया गया, हमसे ln x दिया गया और log x पूछा गया है तो हम ln x में 2.302 का मल्टीप्लाई डिवीजन कर देते हैं। क्या करते हैं, 2.302 का डिवीजन कर देते हैं। माय डियर फ्रेंड्स 1 अपॉन 2.302 इज द वैल्यू ऑफ 0.4331। ये जो वैल्यू है ये होती 0.4343 log e। तो आप ये याद रखिए कि अगर मैं ऐसा कर दूं कि यार इसमें log x है और log x में अगर मैं 0.4343 का मल्टीप्लाई कर दूं ln x के साथ तो हम क्या बना देंगे, log x बना देंगे। ये कन्वर्जन आपको समझ में आया बच्चों? बोलो एक बार एक्सप्लेन। हाँ हाँ समझता हूँ, मैं फिर से बता रहा हूँ। जैसे कि मान लो अगर आपको ln 3
पूछा गया, और आपसे पूछा जा रहा है कि सर लॉग थ्री की वैल्यू कितनी होगी। आपने याद कर रखी है ln 3 की वैल्यू 1.099, ठीक है ना, ये याद करिए। आपको log 3 की वैल्यू याद नहीं है मान लो, लेकिन log 3 पूछा गया तो कन्वर्जन चाहिए, तो आप क्या करो बस इसमें 0.433 का मल्टीप्लाई कर दो। इसमें क्या करो बच्चों, 0.433 का मल्टीप्लाई कर दो बस, और कुछ नहीं करना। 0.4343 का मल्टीप्लाई कर दो, आप जो वैल्यू निकालोगे ना वो log 3 की ही वैल्यू आएगी। आप चेक करके देख सकते हो, 1.099 × 0.4343, तो वैल्यू इज 0.4773। आप देखो तो log 3 की जो वैल्यू आपके सामने L निकाली गई है वो भी इतनी ही निकाली गई, log 3 0.4771, तो ऑलमोस्ट वो सेम वैल्यूज देता है अगर आप सेम मल्टीप्लाई करो। क्लियर कट बात समझ में आ रही है बच्चों की, नहीं आ रही? हाँ बोलो, टेल मी, हेलो 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 बच्चों, आवाज आ रही है मेरी? सर कन्वर्जन एक बार फिर से सिखाएंगे आप? हाँ कन्वर्जन, कैन यू टेल अगेन? मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि अगर log दिया गया है, log की कोई, if you मतलब if you have the values of log and you want to write in the ln form, so if you want to write in the ln form, the first of all the value of log multiply with 2.302, then this value is equal to the ln x. Okay, suppose let us assume we take a different type of example for better clarification. Suppose you have y is equal to log 5 and the value of log 5 is, as we know, this is 0.69897. Now you want to calculate the value of ln 5. If you want to calculate the value of ln 5, then you don't know the value of ln 5. 0.4343 is suitable for ln to convert in the log. Yes, it is suitable. It is absolutely suitable. There is no any issue. Okay. So if this value is 0.69897 and you want to calculate the ln 5. So first of all, do only one thing. This number is multiplied with 2.302 or 303. You got the result of ln 5. Let us see. This is multiplied with 2.302. And you got the answer is 1.6090. So almost this value is same. Let us see. The ln 5 is 1.6094. So this is, well, this value is almost same. This value is 1.6090. So almost the values are same. 0.0004 ka difference hai. So it's not very much difference. It is very, very less. So this value is approximate equal to 1.ln5. So clear, my dear friend? Yes, sir. Yes. Thank you so much. Thank you. Okay, let us see the mechanism. If you want to see the mechanism, why this multiply with log to 0.3434 and why the multiply with 2.302. So if you want to see, so let us see. Such a beautiful concept, actually. The beautiful concept is that if you have, say, log x and you want to convert in ln x, that means the base of ln is e. The base of ln is e. And the base of log is x. So the beautiful concept is that if this base is removed, so we can convert the log x into log ln x. So this is a very easy. This log x is nothing. It is log x base e divided by log 10 base e. So if you multiply with log 10 base e, then you got the answer and log e base e. So you got the result. It is very easily for you. This is log x base 10, log 10 base 10. And this value is log 10 base e divided by log 10 base e. So you can very easily solve. This is log 10 base e.
So you can, this concept is given that log 10 base 10 and log 10 base 10 you cancel out. I'm sorry. Log x base 10 given hai, log x, if you have a log x base 10 and you want to convert a log x base e, so you want the value of log x base e. So first of all, log x base 10 is open here, log x base 10 divided by log 10 base 10 into, now you want to convert this. So first of all, in the numerator, the log x base e. Log x base e. So here, this value is log 10 base e. Agar aap aise likh dete ho, so you, this symbol is like this. So you can very easily solve with this form and you can return the base form. So aapko itna sab likhne ki zarurat nahi hai. Aapko bas kya karna hai? Aapko kya karna hai? Aapko logically aise lagana hai. लॉजिकली एक काम करना है और कुछ नहीं. अगर आपको log x दिया गया है और आप ln x में कन्वर्ट हो रहे हो तो आपको बस 2.303 से या 302 से मल्टीप्लाई कर देना है और कुछ नहीं. मल्टीप्लाई विद 2.302 और अगर ln x दिया गया है तो मल्टीप्लाई विद 0.4343. तो अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो log x बन जाएगा और इसको कैलकुलेट करेंगे तो ln x बन जाएगा. क्लियर माई डियर फ्रेंड? बोलो. अरे जवाब दो यार, इतना अच्छे से समझाया यार भाई. थैंक यू. अच्छा भाई, चलो. अच्छा एक काम और करते हैं छोटा सा. आप देख लेते हैं डिफरेंशिएशन. अगर y बराबर log x है सो डिफरेंशिएशन होगा बच्चों, डिफरेंशिएशन होगा. अभी log के बारे में पूरी बात खत्म नहीं हुई है. तो डिफरेंशिएशन होगा y बार dy ओवर dx इज इक्वल टू 1 अपॉन x. क्या होगा डिफरेंशिएशन? बोलो. dy ओवर dx इज इक्वल टू 1 अपॉन x. बहुत आसान है ना, बहुत आसान है ना. log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन. चलिए चलिए चलिए. अच्छा आप बताओ, y बराबर, आप मेरे को एक बार समझाओ, y बराबर log x square, डिफरेंशिएशन क्या होगा? डिफरेंशिएशन क्या होगा? चलिए, log x का डिफरेंशिएशन 1 by x है ना, हमने ये पढ़ा ना, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? ऐसे लिख ले 2 log x, लिख सकते हैं? अरे log x square को 2 log x लिख सकते हैं कि नहीं? तो 2 log x लिख सकते हैं. तो डिफरेंशिएशन 2 into 1 by x. क्या कहते हो बच्चों? 2 by, बहुत अच्छे जैम, 2 into 1 by x. चलो ओके आगे देखते हैं. एक एग्जांपल और जल्दी से बताइए आप लोग, एक एग्जांपल और बताइए. इस बार गलती कोई नहीं करेगा. y बराबर log x की पावर 5, बताओ कितना होगा इसका डिफरेंशिएशन? 5 by x. बोलो. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. अच्छा चलो, अब y बराबर log 7x, चलो इसका बताओ. log 7x 1/7. नो, इस बार गड़बड़ कर रहे हैं. dy ओवर dx, सबसे पहले log 1/7x 1/7x into 7, तो 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया ना, कितना आ गया? 1/x आ गया. अरे भैया सबसे पहले log की तरह करेंगे ना, पहले log मिलेगा तो log का कितना हो जाएगा? 1/x है ना, तो log 7x का 1/7x, फिर अंदर ब्रैकेट के गए तो 7x मिला, और 7x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 7 मिलेगा, तो 7 से 7 कैंसिल, कितना हो जाएगा? 1/x आ जाएगा. चलो एक बार और करते हैं, एक बार और करते हैं. y बराबर log 15x, चलो बताओ. 1/x. वेरी गुड, बहुत अच्छे, लाजवाब. ओके चलो 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 चलो, अभी अभी बात खत्म नहीं हुई है. y बराबर log x square plus 5x plus 7, ये बताओ, इसका बताओ. चलो आप बताओ, dy over dx, जल्दी बोलो क्या होगा? 1 upon जो भी लिखा है नीचे वैसे ही लिख देते, मैं बोला ना, और फिर x square का करेंगे तो twice x, 5 का करेंगे तो 5. क्लियर? अरे भैया पहले log को सॉल्व करते थे, चैन रूल भूल गए? चैन रूल याद करिए, सबसे पहले log, तो log का डिफरेंशिएशन होता है 1 upon x, जो भी ब्रैकेट में लिखा है उसे एज इट इज पुट कर दीजिए.
अंदर जाइए तो ब्रैकेट के मिलेगा एक्स स्क्वायर का 2x प्लस 5, क्लियर? 7 का डिफरेंशिएशन 0. चलो एक और करते हैं. y बराबर log x की पावर 4 प्लस 2x की पावर 4 प्लस x प्लस 7. चलो ये करते हैं. आप बताओ dy ओवर x कितना होगा? बोलो चैन रूल. 1 upon 7 यही आ जाएगा ना? ये आ जाएगा ना. जिन बच्चों का ये आंसर है वो जस्ट रेज योर हैंड. बहुत अच्छा कर रहे हैं वो. 4x क्यूब अपॉन x की पावर 4 प्लस 7. बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत अच्छा. चलो चलो चलो, अगर चैन रूल समझ में आया तो थोड़ी प्रैक्टिस और कर लेते हैं. थोड़ी प्रैक्टिस जल्दी जल्दी करेंगे. y बराबर log sin x, y बराबर log sin x, बताओ क्या होगा डिफरेंशिएशन? सोचो. चैन रूल ही लगाना. 1/cos x, 1/sin x. पहले करते हैं log का. log के अंदर जो लिखा है sin x into cos x, तो ये कितना आ जाएगा? cot x. चलो एक बार और करते हैं. इस बार गलती कोई नहीं करेगा. y बराबर log cos x, चलो बताओ. 1/sin x into log cos x into minus sin x, which is minus tan x. आपको दिखा रहे हैं. अरे यार लास्ट टाइम पे क्या हो गया? हाँ भाई, तो हम देख रहे हैं y dy over dx लिखेंगे, तो log cos x का लिखेंगे 1/cos x, और cos x का करेंगे तो क्या आ जाएगा? -sin x आ जाएगा. तो ये कितना हो गया? -tan x हो गया. तो जिन बच्चों का आता जा रहा है जस्ट रेज हो रहे हैं, है ना बच्चों? बहुत बढ़िया, लाजवाब, है ना? चलिए बहुत अच्छे. ओके, थैंक यू सो मच. बहुत बढ़िया बच्चों, लाजवाब. अच्छा चलो एक और कर लेते हैं जल्दी से, है ना? एक बहुत आसान सा क्वेश्चन, आप लोग बताओ जल्दी से. y बराबर x log x, चलो बताओ क्या x log x मल्टीप्लाई में, तो क्या होगा dy ओवर dx? सर 1/1 देखो, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन 1/x प्लस फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन x की पावर 1 का डिफरेंशिएशन कितना होता है बच्चों? 1, तो 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया. dy ओवर dx कितना हो गया बच्चों? 1 plus log x. चलो अच्छा, एक होमवर्क दे रहा हूं मैं, एक छोटा सा होमवर्क. y बराबर log, आप मानो ऐसे लिख दो, sin x into log sin x. चलो बताओ, आप बताओ जल्दी से, बताओ जल्दी से इसका आंसर बता दो, बस जाओगे. sin x 1/sin x cos x, बहुत अच्छे, प्लस log bracket sin x into cos x. Very good, Arnav. बहुत अच्छे, लाजवाब, बिल्कुल सही. sin x से sin x cancel out किया होगा इसके बाद, है ना? तो cos x plus cos x log sin x. My dear friend, you are super hero. सर फिर से बताना. मैंने क्या बताया? अर्नव से पूछो ना, अर्नव ने बताया ये. अर्नव से पूछते हैं. देखो उसने क्या किया भैया, यहाँ पर लिखा फर्स्ट फंक्शन ना अर्नव, ये लिखा सेकंड फंक्शन, है ना? उसने कहा भैया फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया, तो log sin x का डिफरेंशिएशन हम लोग ने किया है ना, तो log sin x का 1/sin x into sin x का डिफरेंशिएशन किया तो cos x. बच्चों log sin x में sin x का किया तो 1/sin x, log sin x 1/sin x, अंदर गए ब्रैकेट में sin x मिला, तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया? cos x, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज पुट किया. फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया तो cos x मिला, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया तो cos x मिला,
साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल आउट हो गया, यहाँ गया कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू लॉग साइन एक्स, यहां से कॉस एक्स कॉमन किया तो ये बन गया वन प्लस लॉग साइन एक्स. नाउ यू आर कंफर्टेबल ना बच्चो, लॉग में कंफर्टेबल है या नहीं है? यस सर. चलो बहुत बढ़िया, लाजवाब, शानदार. थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस क्लास. थैंक यू.